हेलो दोस्तों, पावर प्ले के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन इम्पोज किए। अमेरिका ने इंटरनेशनली रशिया के पेमेंट सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। डॉलर सिस्टम ब्लॉक करके रशिया इकोनॉमी को बड़ा झटका दिया गया। इसी बात पर बहुत सारे देश डी डॉलराइजेशन का ऑप्शन चेकआउट कर रहे हैं। डॉलर पर कुछ हद तक डिपेंडेंसी सारे देश कम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अमेरिका इस डॉलर का देश के खिलाफ कैसे यूज करके इकोनॉमी को पैरालाइज कर देता है, इस बात से सब देश ने सबक लिया है। तभी से डॉलर का यूज कम करने की कोशिश सब देशों ने स्टार्ट कर दिए। इसी बीच इस डी डॉलराइजेशन को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ रही है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में एक स्टेटमेंट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई सारे बिलियन ऑफ रुपीज इंडियन बैंक में फंसे पड़े हैं, हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। इसमें दो सवाल आपके मन में आ सकते हैं। रशिया के पास इतने सारे बिलियन ऑफ रुपीस कहाँ से आए? सेकंड, वो बिलियन ऑफ रुपीस रशिया क्यों खर्च कर नहीं पा रहा? रशिया को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से कटआउट करने के बाद भारत ने रशिया से इंडियन रुपीस में ऑयल परचेज किया। भारत ने अब तक करीबन रशिया से 40 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया है और यही बिलियन ऑफ रुपीस इंडिया के बैंक में पड़े हुए हैं। मगर रशिया ये पैसे खर्च नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रशिया भारत से हर साल सिर्फ 2.8 बिलियन डॉलर का ही सामान इंपोर्ट करता है, जिससे रशिया का ज़्यादा इंपोर्ट भारत से ना होने से वो एक्सेस फंड इंडियन बैंक में पड़े हुए हैं। रशिया इंडियन करेंसी को डॉलर, येन या युआन में कन्वर्ट क्यों नहीं करता? आपको बता दें, हमारी इंडियन करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। हमारी इंडियन करेंसी पार्शियल कन्वर्टेबल है, मतलब रिस्ट्रिक्ट यूज के लिए आप इंडियन करेंसी को एक हद तक कन्वर्ट कर सकते हो। करेंसी का सब कुछ कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपीस को इंटरनेशनलाइज कर दिया तो रुपीस का कंट्रोल इंडिया खो देगा, मतलब इंडियन रुपीस की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन से डिसाइड होगी। क्या भारत इसके लिए तैयार है? वेल, आरबीआई कहता है एक ना एक दिन रुपीस को इंटरनेशनल मार्केट में लाना ही होगा, मगर फिलहाल नहीं। भारत को अगर रुपीस में ट्रेड करना है तो भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाने होंगे, इम्पोर्ट कम करने होंगे, तभी भारत के रुपीस पर ट्रस्ट बढ़ सकता है और इससे हर कोई देश रुपीस को अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखना पसंद करेगा। चीन ने भी 2010 में युआन को इंटरनेशनलाइज किया था। अब चीन की करेंसी युआन को कुछ कुछ देश एक्सेप्ट करने लगे, मगर फिर भी कई देश युआन को पसंद नहीं करते। रीजन नंबर वन, ट्रस्ट इशू। चाइना को कोई भी देश ट्रस्टेबल पार्टनर का टैग नहीं देता। सेकंड, चाइना इकोनॉमी की लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बाहर आती है। चाइना में एक पार्टी सत्ता में होने के कारण चीन की असली इकोनॉमी की इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बाहर नहीं आती, इससे चीन की फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाज़ा भी नहीं लगता। इसलिए बहुत सारे देश युआन को अभी भी एक्सेप्ट करने से डरते हैं। अगर कंपेयर करें तो अमेरिका का डॉलर सिस्टम चीन डायरेक्टली युआन से रिप्लेस करना चाहता है, वही भारत सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में रुपीस को वैल्यूएबल बनाना चाहता है, जिससे भारत की रुपीस का पूरी दुनिया में स्टेटस बढ़े और आगे जाकर भारत की करेंसी को हर कोई देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखना चाहे।